विधानसभा के बाद अब लोकसभा चुनाव में भी पंडित सुरेश मिश्रा को कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया है। इसको लेकर ब्राह्मण समाज में आक्रोश है। इसके विरोध में सर्व ब्राह्मण महासभा ने प्रेस वार्ता की। महासभा के प्रवक्ता संदीप भात्रा ने कांग्रेस के इस निर्णय का विरोध जताते हुए जयपुर ग्रामीण या अजमेर लोकसभा सीट पर मिश्रा को उम्मीदवार बनाने की मांग की है। साथ ही ऐसा नहीं होने पर महासभा की ओर से जल्द ही बड़ा निर्णय लेने की बात कही गई है। इसके लिए 31 मार्च को महासभा की बैठक बुलाई गई है। उन्होंने बताया कि महासभा की ओर से इस निर्णय के विरोध में राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को एक पत्र भी लिखा गया है। सर, ब्राह्मण महासभा द्वारा आज की यह प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़े ही क्षुब्ध और आक्रोशित मन से बुलाई गई है। कल रात कांग्रेस पार्टी द्वारा जो 19 प्रत्याशियों की लिस्ट घोषित की गई है, बेहद अफसोस के साथ और आक्रोशित मन के साथ कहना पड़ रहा है कि कांग्रेस पार्टी को उन 19 में से एक भी ब्राह्मण प्रत्याशी ऐसा नहीं मिला जिसे वह टिकट देने के लायक समझती। इस निर्णय से, कांग्रेस के इस आत्मघाती निर्णय से हम लोग आक्रोशित हैं, उद्वेलित हैं और आंदोलित भी हैं, और इसका प्रतिकार किया जाएगा। अभी भी कांग्रेस पार्टी के पास समय है। बची हुई 6 सीटों में से जो अजमेर है और जयपुर ग्रामीण सीट है, उन दोनों सीटों पे सर्व ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित सुरेश मिश्रा जी को टिकट दी जाए। अन्यथा परसों प्रदेश प्रतिनिधियों की एक बैठक बुलाई गई है, उसमें एक बहुत बड़ा राजनीतिक निर्णय हम सभी लोग। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।